तो ये इसकी ज्योग्राफिकल स्थिति थी। तो आप ध्यान रखें कि इंदिरा पॉइंट या भारत और इंडोनेशिया किसके द्वारा अलग अलग रहते हैं, ग्रैंड चैनल के द्वारा। भारत का दक्षिणतम बिंदु ये है। अभी आईएएस 2017 की बात है शायद, उसमें क्वेश्चन आया था भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट के निकट द्वीप कौन सा है, सुमात्रा द्वीप, ये आईएएस में आया था 2017 में। तो अभी फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी अपनों ने ये चर्चा की सिनबांग सक्रिय ज्वालामुखी, इंडोनेशिया का सक्रिय ज्वालामुखी है। इस संदर्भ में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि ज्वालामुखी क्या होते हैं। तो पेज के बीच में लिखिए ज्वालामुखी, वेल्केनो बोलते हैं इसको, मतलब धरातल का वह भाग या वह छेद जहां से लावा, गैस व धूल के कणों का उद्गार होता है। लिख दीजिए धरातल का वह भाग जहां से लावा, गैस व धूल के कणों का उद्गार होता है। उद्गार मतलब बाहर निकलते हैं। इसको हम तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब एक्टिव वेल्केनो, दूसरा प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, तीसरा सुषुप्त या मृत ज्वालामुखी, मतलब डेड डेड वेल्केनो। अब इनमें अंतर क्या होता है, यदि हम इनमें अंतर की बात करें तो नाम से देखिए सक्रिय, जिनसे लावा, गैस व धूल के कणों का उद्गार क्या होता है, लगातार या बहुत अधिक, इनसे एक अंतराल पर होता है, इनसे एक बार हुआ है, भविष्य में होने की संभावना नहीं है। यदि हम इसको कैटेगराइज करके पढ़ें तो आप इस साइड में लिखना, पहला पॉइंट डाल के लिखो लावा, गैस व धूल के कणों का उद्गार, ये होता है लगातार या बहुत अधिक, या तो लगातार होता है या बहुत अधिक होता है, इनसे एक अंतराल पर। क्लियर? और ये एक बार हुआ है और भविष्य में होने की संभावना नहीं है। एक बार हुआ है और भविष्य में होने की संभावना नहीं है, संभावना पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। अब यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मैं महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बात करूंगा और कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे सबसे बढ़िया यदि हम बात करें तो एक है सक्रिय ज्वालामुखी में, जैसे भारत का बेरन द्वीप, आप मैप में जाके देखोगे तो जो मध्य अंडमान है इसके पूर्व में है। इसकी सबसे खास बात है, लिख दीजिए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा आपने एक ध्यान रखना है, एक भूमध्य सागर जो है इसका है स्ट्रोम्बोली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टिक कीजिए, वैसे दोनों इंपॉर्टेंट है लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रोम्बोली। ये जो स्ट्रोम्बोली है इसे कहते हैं
भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट कॉलम ऑफ मेरिडियन सी, लाइट कॉलम ऑफ मेरिडियन सी, ये दो आप ध्यान रखें। अब यदि हम प्रसुप्त ज्वालामुखी पर देखें तो इस पे इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। जैसे यदि हम कुछ बात भी करें इसके एग्जाम्पल में, तो जैसे इटली का वीसुवियस है, और जैसे फिलीपींस का मेन है, जापान का फ्यूजियामा है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लें, और इतनी ज्यादा खास बात नहीं है। और यदि हम डेड में बात करें तो इसमें जो है जैसे ईरान का देवबंद और कोह सुल्तान है, दूसरा तंजानिया का किलिमंजारो है, और म्यांमार का पोपा है, ये मृत ज्वालामुखी के अंदर आते हैं। तो इसके बैकग्राउंड को हमने किया है, आप थोड़ा ध्यान रखें, मैंने बहुत ही सावधानी से इसको किया है। ये जो रेड कलर में है ये सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये जो ब्लू कलर में है ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, और जो ग्रीन कलर में है ये डेड मृत ज्वालामुखी है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखें। वैसे मैं आपको बता दूं, इन दोनों पॉइंट्स पर ज़्यादा ध्यान दें, और सिंहबाग तो वर्तमान में इंपॉर्टेंट हो ही चुका है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब हम इसमें ये बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ है। तो जब आप एटलस देखोगे तो जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी, मैक्सिमम वेलकेनो, ये है प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में। पैसिफिक सी में, यहां है पैसिफिक ओशन रीजन में। इसी कारण से ये जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है इसको कहा जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। बहुत ही सिंपल में बात कहें तो अग्निवलय के नाम से इसको जानते हैं, हिंदी में कहें तो रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं इसको। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने सिंहबाग ज्वालामुखी के माध्यम से ज्वालामुखी को जानने का प्रयास किया है। तीन प्रकार के ज्वालामुखी हैं, सक्रिय है, प्रसुप्त है, और सुषुप्त या मृत है, इसको हमने जाना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात भारत का बेरन द्वीप जो कि मध्य अंडमान के पूर्व में है, और एक भूमध्य सागर का स्ट्रोम्बोली है, वहाँ से लगातार जब ये उद्गार होता है तो उसी कारण से इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, लाइट कॉलम ऑफ मेरिडियन सी। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ इस सीरीज को मैं यही समाप्त करूंगा। आप इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।